विभूषण गिरजा देवी पर आधारित पत्रिका छायानट का विमोचन मलदहिया स्थित एक होटल में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ शास्त्रीय गायिका मंजू सुंदरम और गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी रहीं। यह आयोजन उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से किया गया। अध्यक्षता अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने की। तो पत्रिका छायानट का विमोचन किया गया, जिसमें शास्त्रीय गायिका मंजू सुंदरम की मौजूदगी देखने को मिली। वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। पद्म विभूषण गिरजा देवी पर यह आधारित है। इसमें राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने विमोचन भी किया, जिसमें समय समय पर और गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी की भी मौजूदगी इस दौरान देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य संगीत नाटक अकादमी के समस्त सदस्यों से आज विचार विमर्श हुआ, बातचीत हुई, बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारी चीज़ें एकेडमी और कला जगत के लिए, संगीत कला के लिए, नाट्य के लिए वार्ता हुई, बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए। और उसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता थी, ये बहुमत नहीं, सर्वसम्मति से हुआ। यह संवाद की स्थिति है। और उसके बाद आप गिरजा देवी बनारस की थी, जहाँ विश्व विख्यात थी यहाँ के माध्यम से, और काशी में यह उनको लेकर यह आयोजन हुआ, इसीलिए काशी को काशी की थी वापस की गई। तो वही मालिनी अवस्थी ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है और वो अपने आप को बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि उनकी गुरु स्वर्गीय गिरजा देवी को संगीत नाटक अकादमी पत्रिका छायानट समर्पित रही है। गुरु पर आधारित संगीत नाटक अकादमी की जो पत्रिका निकलती है छायानट, उसका पूरा अंक उनको ही केंद्रित करके आज लोकार्पित किया गया। ये बहुत, मैं आज आनंदित हूँ, बहुत गर्वित हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि उत्तर प्रदेश सरकार संगीत नाटक अकादमी ने ये काम किया है और काशी में किया, जहाँ हमारी अप्पा थी। इतने विद्वानों गुरुजनों के सामने आज ये कार्यक्रम हुआ और मुझे लगता है हर आने वाली पीढ़ी को विभूतियों के बारे में बताया जाना जरूरी है कि कैसे तपस्या करके वो यहाँ तक पहुँचे। तो एक शिष्य होने के नाते तो मैं बहुत अपने आप का विभूत महसूस कर रही हूँ, बतौर कलाकार मुझे लगता है ये और होते रहना चाहिए। तो पत्रिका छायानट का विमोचन हुआ, राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी भी यहाँ पे मौजूद रहे, शास्त्रीय गायिका मंजू सुंदरम भी मौजूद रही यहाँ पर, और पद्म विभूषण गिरजा देवी पे आधारित